और इसी बीच खबर आपको रीवा से बता देते हैं, जहां राहत मोहल्ले में शराब दुकान खोलने का विरोध। विधायक केपी त्रिपाठी ने ठेकेदार से अभद्रता की। विधायक के गुर्गों पर मारपीट करने का भी आरोप है। पुलिस ने मारपीट का मामला दर्ज किया है। केपी त्रिपाठी अपनी ही सरकार के खिलाफ एक तरह से मोर्चा खोलते हुए नजर आ रहे हैं। शराब दुकान खोलने का विरोध कर रहे हैं। विधायक के गुर्गों पर मारपीट करने का भी आरोप है। पुलिस ने मारपीट का मामला दर्ज किया है। तो रीवा की खबर आपको बता रहे हैं, जहां रहत मोहल्ले में शराब दुकान खुलने का विरोध किया जा रहा है। विधायक केपी त्रिपाठी के गुर्गों पर मारपीट का भी आरोप है। पुलिस ने मामला दर्ज किया है। साले अपराधी, केपी चाचा आपको तो कोई सुन ही नहीं रहा, जबरदस्ती ऐसे नहीं बोली। हम लोग भी कोई ऐसा नहीं कि रोड छाप। तू क्या बात कर रहा है बार बार हमसे? तू क्या बात कर रहा है? शराब दुकान खोलने का विरोध केपी त्रिपाठी कर रहे थे, बीजेपी के ही विधायक है केपी त्रिपाठी। और अब देखिए किस तरह से तोड़फोड़ की तस्वीरें सामने आई हैं। उन्हीं के लोगों पर, समर्थकों पर मामला दर्ज भी हुआ है और आरोप भी कि उन्होंने आपस में मारपीट की है लोगों के साथ। मनोज वर्मा जी हमारे पॉलिटिकल एडिटर हैं, हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद हैं। उनसे हम और भी चर्चा कर लेते हैं। मनोज जी, केपी त्रिपाठी लगातार काफी दिनों से खबरें कि वो शराब दुकान खोलने का विरोध कर रहे हैं, आज उनके लोगों को पर आरोप है कि उनके लोगों ने, उनके गुर्गों ने मारपीट की है, मामला दर्ज हुआ है। लेकिन एक विधायक का, वो भी भारतीय जनता पार्टी जिसकी सरकार है, वो अपनी ही पार्टी के खिलाफ कहीं ना कहीं मोर्चा खड़ा करते हुए नजर आ रहे हैं। मनोज जी, मनोज जी को आवाज मिल रही है हमारी? चलिए, लगता है मनोज जी को आवाज नहीं मिल रही है। हम कोशिश करेंगे फिर से उनसे इस खबर के और मायने समझे जाएं, क्योंकि अगर कांग्रेस पक्ष की तरफ से ये विरोध होता, आरोप लगाए जाते, तो बात आरोप प्रत्यारोप और राजनीति पर खत्म हो जाती। लेकिन केपी त्रिपाठी बीजेपी के विधायक हैं और शराब दुकान के कर्मचारी और उनके समर्थकों के बीच मारपीट होना बताया जा रहा है। इसको लेकर आरोप ये भी कि उनके गुर्गे किस तरह से लोगों के साथ मारपीट कर रहे हैं, और जहां रीवा में शराब दुकान खुलने का वो विरोध कर रहे हैं, कहीं ना कहीं इसको लेकर कई तरह के मामले निकलकर सामने आ रहे, खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। आशंकाएं ये भी लगाई जा रही हैं कि क्या विधायक की पब्लिसिटी के लिए कर रहे हैं, क्या वाकई जनता की समस्याओं से उनको इतना सरोकार है, कई तरह की बातें। मनोज वर्मा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनोज जी, केपी त्रिपाठी का इस तरह से विरोध करना, भारतीय जनता पार्टी के विधायक, कहीं अपनी सरकार के सामने समस्या तो नहीं खड़े कर रहे? क्योंकि शराब को लेकर हम देख रहे हैं लगातार बहुत दिनों से मध्य प्रदेश में सियासत चली रही है, चाहे फिर वो उमा भारती जी हों और अब केपी त्रिपाठी, कैसे देखते हैं मनोज जी? चलिए, लगता है कुछ तकनीकी खराबी के चलते मनोज जी तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। तो लगातार शराब को लेकर एमपी में सियासत जोरों पर है। एक तरफ हम देख रहे हैं केपी त्रिपाठी विधायक हैं, बीजेपी से ही एमएलए हैं, लेकिन अपनी ही सरकार के लिए इस तरह का विरोध करवाकर वो समस्याएं खड़ी करते हुए नजर आ रहे हैं। उधर उमा भारती भी, आपने कई तरह के वीडियोस भी देखे हैं, जिसमें एक वीडियो उनका किस तरह से वो शराब दुकान में शराब की बोतलें पत्थर फेंक कर तोड़ती हुई नजर आई थी, उस पर भी काफी विवाद हुआ था। और अब शराब को लेकर एक बार फिर बीजेपी के ही विधायक जो हैं विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं। और ये तस्वीर आपके सामने है, उनके ही लोगों पर शराब कर्मचारियों के साथ मारपीट का आरोप लगा है, जिसको लेकर मामला भी दर्ज हुआ है। वीडियो आपके सामने, एक बार फिर से वीडियो दिखा देते हैं। मनोज जी हमारे साथ बने। मनोज जी आवाज मिल रही है आपको? जी हाँ।
अनुज जी कैसे देखते हैं पूरे मामले को? बीजेपी विधायक हैं और शराब दुकान खोलने को लेकर विरोध चल रहा है और उन्हीं के लोग मारपीट भी कर रहे हैं। देखिए आमतौर पर ये ट्रेंड हम पिछले अगर एक दशक से भी ज्यादा के समय से देखें, जब भी नए शराब के ठेके होते हैं तो कई सारे नेता उन दुकानों का विरोध करते हैं, उसमें स्थानीय नागरिक भी शामिल हो जाते हैं। वो कुछ दिनों के बाद कई बार ऐसा होता है कि ठेकेदार और उनकी बातचीत हो जाती है शराब माफिया से, शराब दुकानदारों से, और राजनीतिक दलों के लोग अपना आंदोलन वापस ले लेते हैं। भोपाल में भी हम देख रहे हैं कि कई सारी दुकानों का विरोध हो रहा है, लेकिन इस बार हमने देखा कि उमा भारती ने शराबबंदी की मांग को लेकर जो आंदोलन शुरू करने की बात की थी, लगातार वो डेडलाइन देती रही। कल भी उन्होंने ट्वीट किया, इससे पहले उन्होंने परखड़ा पठानी की एक दुकान पर पत्थर मार के इस आंदोलन की शुरुआत की थी। इसके बाद से कांग्रेस के कई सारे लोग उनके समर्थन में आ गए हैं, जीतू पटवारी हो, कमलनाथ हो, शराबबंदी की बात करें। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उन्हीं कमलनाथ ने अपने कार्यकाल में शराबबंदी के लिए कोई एक्शन नहीं उठाया था। खुद उमा भारती मध्य प्रदेश में 8 महीने मुख्यमंत्री रही थी, तब उन्होंने शराबबंदी की बात नहीं की थी। तो शराबबंदी के हमने देखा कि बिहार में शराबबंदी है, लेकिन लगातार मौतों का सिलसिला जारी है, अवैध शराब की बिक्री में परिवहन लग नहीं पाया है, तो ऐसे में पहले रोड मैप बनाना होगा आपको। इस बार हमने देखा कि सरकार ने जो नशाबंदी अभियान है उसके लिए बजट की राशि 10 गुना बढ़ा दी है, तो अचानक से आप कर नहीं सकते, क्योंकि मध्य प्रदेश की जो स्थिति है, आर्थिक स्थिति कोरोना काल के बाद से, वो शराब से बड़ा रेवेन्यू राज्य सरकारों को मिलता है, जिसको वो किसी कीमत पर छोड़ना नहीं चाहते। हमने गुजरात में देखा है शराबबंदी है, हरियाणा में एक बार प्रयोग हुआ था लेकिन फेल हो गया, दक्षिण भारत के कुछ राज्यों ने शराबबंदी की कोशिश की लेकिन सफल नहीं हुए। बिहार में हम देख रहे हैं लगातार कि अचानक से खबरें आती है, अभी हमने देखा था पिछले दिनों ही कि 2-3 दर्जन मौतें शराब अवैध शराब के कारण हुई है, कठोर नियम भी बनाए हैं। तो मध्य प्रदेश में भी मुख्यमंत्री खुद कह चुके हैं कि शराबबंदी हम क्रमिक रूप से लागू कर सकते हैं, कि सबसे पहले लोगों को अवेयर करें, लेकिन कुछ पॉलिटिकल पार्टियों के लोग या विधायक अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए, क्योंकि उनको पता है कि शराब दुकानों का विरोध करने से एक तो ठेकेदार से उनको आर्थिक मदद मिल जाती है कई बार कई मामलों में, दूसरा जो महिला वोटर है वो उनके पक्ष में आकर खड़ी हो जाती है। बिल्कुल मनोज जी, वैसे में देखना होगा ये जो विरोध निकल कर सामने आ रहा है इसमें किस तरह के बयान सामने आते हैं बीजेपी नेताओं के, किस तरह की टिप्पणियां निकलती हैं। बहुत शुक्रिया मनोज जी जानकारी देने के लिए। तो देखिए शराब का और सियासत का ये तो कहें कई पुराना साथ है, और एक तरफ विपक्ष होता है तो उसको लेकर विरोध करता है, लेकिन वही जब सत्ता पक्ष में आ जाता है तो विरोध थम जाता है और फिर इस शराब को लेकर कारण गिनाए जाने लगते हैं। और अभी हम देख रहे हैं बीजेपी के ही विधायक अपनी ही पार्टी के लिए मुसीबत खड़ी करते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि हम देखते हैं कि मनोज जी ने भी इसको लेकर काफी समझाने की कोशिश की कि देखिए कई बार ये भी होता है कि अपने स्वार्थ के लिए भी विरोध प्रदर्शन होते हैं, कई बार जो शराब ठेकेदार हैं उनसे सांठगांठ हो जाती है, आर्थिक मदद भी मिलती है।